मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी, वी नो दैट डिवीजन इज नॉट क्यूमिटेटिव फॉर होल नंबर्स. लेट अस चेक इट फॉर इंटीजर्स ऑल्सो. नाउ टेक सम एग्जाम्पल्स. -12 डिवाइडेड बाई 3 एंड 3 डिवाइडेड बाई -12. वेन -12 डिवाइडेड बाई 3 इज -4 and 3 divided by -12 is -1/4. So -12 divided by 3 is not equal to 3 divided by -12. जब हम 12 को 3 से -12 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो -4 आता है, बट जब हम 3 को -12 से डिवाइड करते हैं तो 1/4 आता है, -1/4 आता है, और दोनों सेम नहीं है. इट मीन्स ए डिवाइडेड बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए. तो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए यूज नहीं होती. सो वी कैन से दैट डिविजन इज नॉट क्यूमुलेटिव फॉर इंटीजर्स. नाउ द सेकेंड, वेन वी डिवाइड अ होल नंबर बाई 1, इट गिव्स द सेम होल नंबर. Any integer divided by 1 gives the same integer. For any integer a, a divided by 1 equals to a. Take one example. If 13 divided by 1 is 13. Whole number ko jab hum 1 se divide karte hain to same whole number aata hai. To kya aisa integers ke liye bhi possible hai? यस, इंटीजर के लिए भी ऐसा पॉसिबल है. अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करें तो सेम इंटीजर बचता है. यहाँ पर हमने एक होल नंबर लिया है, उसको हमने 1 से डिवाइड करके देखा तो 13 आया, सेम होल नंबर आया. अब इंटीजर्स में पॉजिटिव हमने ले लिया है, अब हम एक नेगेटिव इंटीजर लेके देखते हैं. -11 डिवाइडेड बाई 1, व्हेन -11 डिवाइडेड बाई 1 इज -11, सेम नंबर आ रहा है. इट मीन्स ए डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू ए. ए कोई भी एक इंटीजर है. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर एनी इंटीजर ए, व्हेन ए डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल्स टू मीनिंगलेस. मीनिंगलेस एंड यू कैन से दैट नॉट डिफाइंड मीन्स इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड. बट 0 डिवाइडेड बाय ए इज 0. दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं. अगर हम ए को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा मीनिंगलेस आता है. मीनिंगलेस मतलब नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी जिसे हम बोलते हैं. बट अगर हम 0 को किसी इंटीजर से अगर हम डिवाइड करें तो वो 0 होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इक्वल्स टू -3, -3 डिवाइडेड बाई 0 इज इन्फिनिटी. जब हम किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है. कोई भी इंटीजर होगा वो 0 से डिविजिबल होगा तो हमारा क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा. 0 से डिवाइड करने के बाद इन्फिनिटी, यानी कि उसका कोई डिफाइन नहीं कर सकता उसको. बट अगर हम 0 को किसी इंटीजर से डिवाइड करें तो उसका आंसर 0 होता है. दोनों में डिफरेंस देखिए आप. ये वाला जो है, अगर हमारे डिनोमिनेटर में 0 है तो वो हमेशा इन्फिनिटी रहेगा. यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, अगर डिनोमिनेटर में 0 है इट मीन्स वो इन्फिनिटी रहता है. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हाट हैपन व्हेन वी डिवाइड एनी इंटीजर बाय -1. क्या होता है जब हम किसी भी इंटीजर को -1 से डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, -8 डिवाइडेड बाय -1. माइनस माइनस इज प्लस एंड 8 वन जा 8. If 3 divided by -1, then answer is -3. So, we can say that if any integer is divided by -1, it does not give the same answer. 8 is positive and -3 is negative. तो अगर हम -3 से किसी integer को हम divide करें तो -1 से अगर हम किसी इंटीजर को डिवाइड करें तो ज़रूरी नहीं है हमारा आंसर हमेशा सेम आए. सेम मीन्स नेगेटिव ही आए या पॉजिटिव ही आए,
वो डिपेंड करता है हमारे नंबर पे, हमारे इंटीजर पे, हम किस टाइप के इंटीजर पे डिवाइड कर रहे हैं, माइनस वन से। अगर इंटीजर नेगेटिव है तो माइनस वन से डिवाइड करने पर हमारा आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, बट अगर इंटीजर पॉजिटिव है तो माइनस वन से डिवाइड करने पर हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें कोई फिक्स आंसर नहीं है, डिपेंड करता है इंटीजर पे, जैसे जैसा इंटीजर होगा वैसा ही हमारा आंसर आएगा। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इनको सॉल्व करना है, सब डिवीजन के क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन, -30 डिवाइडेड बाय 10। सो -30 डिवाइडेड बाय 10। पहले अगर आपको प्रॉब्लम है तो पहले आप इनको होल नंबर की तरह डिवाइड करिए, इंटीजर को आप बाद में इंक्लूड करिएगा, पहले आप जैसे होल नंबर्स को आप यूजुअली डिवाइड करते हैं आप वैसे ही डिवाइड करिए। 30 डिवाइडेड बाय 10 थ्री टाइम एंड -30, सो द आंसर इज माइनस माइनस एंड दिस नंबर इज प्लस, माइनस प्लस माइनस। अगर जब आप डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये ऊपर वाला जो है इसको न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, तो इनमें से अगर कोई भी एक नेगेटिव होता है तो हमारा आंसर नेगेटिव आता है, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। बस दो ही रूल है इसमें कि अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से कोई भी एक नंबर नेगेटिव होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होंगे तब तो पॉजिटिव है ही। नाउ द सी पार्ट, -36 डिवाइडेड बाय -9, 9 4 36 एंड माइनस माइनस इज प्लस, सो +4। 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -2 +1, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास, फर्स्टली वी सॉल्व द ब्रैकेट, -2 +1, 13 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस इज माइनस, 2 माइनस 1 इज 1 एंड 2 इज अ ग्रेटर नंबर, इट्स साइन इज नेगेटिव, सो द आंसर विल बी नेगेटिव। 13 डिवाइडेड बाय माइनस 1, अभी हमने रूल पढ़ा है कि अगर हम नेगेटिव से किसी इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है नेगेटिव आएगा, अगर इंटीजर पॉजिटिव है तो, और अगर इंटीजर नेगेटिव होता तो हमारा आंसर पॉजिटिव आता। एफ, 0 डिवाइडेड बाय -12, ये भी प्रॉपर्टी का पार्ट है कि किसी नंबर को, जीरो को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर जीरो होता है, उसका अपोजिट अगर हम नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर इन्फिनिटी आएगा, मीनिंगलेस, नॉट डिफाइंड। नाउ द जी पार्ट, -31 डिवाइडेड बाय -30 प्लस माइनस इज -1, -31, फर्स्टली वी सॉल्व द ब्रैकेट, -30 -1, माइनस माइनस इज प्लस, 30 एंड प्लस 1 इज 31 एंड 30 इज अ ग्रेटर नंबर, इट्स साइन इज नेगेटिव, सो द आंसर विल बी नेगेटिव। माइनस माइनस 31 डिवाइडेड बाय 31 इज 1 वन टाइम एंड माइनस माइनस इज प्लस। नाउ द आई पार्ट, दे आर टू ब्रैकेट्स, -6 +5 एंड -2 +1, फर्स्टली वी सॉल्व दिस ब्रैकेट, -6 +5 -2 +1, माइनस प्लस इज माइनस, 6 -5 इज 1 एंड 6 इज अ ग्रेटर नंबर, इज साइन इज नेगेटिव, सो द आंसर विल बी नेगेटिव। -2 +1, माइनस प्लस इज माइनस, 2 -1 इज 1 एंड 2 इज अ नेगेटिव ग्रेटर नंबर, सो द आंसर विल बी नेगेटिव। एंड 1 1 जा 1 एंड माइनस माइनस इज प्लस। नाउ बी एंड डी, बी डी एंड एच, बी डी एंड एच, थ्री क्वेश्चन आर योर होमवर्क, नोट डाउन इट, बी डी एंड एच। थैंक यू।